बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त लीगल शोडाउन या एक सबसे बड़ी लीगल शॉक वेव जारी है। दो अहम इश्यूज़ हैं आपके नॉलेज में, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। एक PTI के ऊपर एक्सपेक्टेड पाबंदी का और दूसरा एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से। आगे चल के दोनों की तफसीलात बताता हूँ कि इस वक्त दोनों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से हतमी डिसीजन तो खैर हुआ नहीं, ना हुकूमत के बस में है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं कर सकते। तो इसमें दो स्टेक होल्डर हो रहे हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी इनको इधर भी बात करनी है, उधर भी आगे जाना है, तो काफ़ी मराहल बाकी है। लेकिन इससे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि लोगों की आरा जानना शुरू हो गए। मतलब मैंने देखा एक वीडियो, उसके नीचे वो सबटाइटल भी लगाए गए हैं या लिखा गया है कि PTI के ऊपर पाबंदी के फैसले से आवाम खुश है, खुशी का इजहार कर रही है। और मैंने देखा है वीडियो में, तो वो उसी किस्म की चीज़ें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं, तकरीबन लगभग वही हैं। और ये अवामी राय नहीं होती जिसके बारे में ऐसा तासुर मिले कि ये जैसे कोई प्लान करके कोई वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं। अवामी तासुर वो होता है जो आम तौर पर सोशल मीडिया पर देखने में आता है, जिससे हुकूमत को परेशानी होती है। आप ले जाएँ अवाम में कैमरे, अगर कहें तो मैं भी साथ चला जाता हूँ, या और भी बहुत सारे लोग हैं, इनको भेज दें अवाम में कि जाएँ अवामी राय जाके चेक कर लें। बल्कि करनी भी चाहिए, अगर वक्त मिले तो मैं तो ज़रूर जाऊँ जाके चेक करूँ। लेकिन ये इन सारे मामलों में उलझे हुए हैं, तो वहाँ पर पता चले, भेजें कैमरे अवाम में और उनको बोलें कि जनाब ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं इनके ऊपर भी अवामी राय ले लें, ये जो पेट्रोल प्राइसेज रिसेंट बढ़ी हैं इनके ऊपर भी अवामी राय जान लें। मैं शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट देख रहा था, जल्दी से ये पढ़ के फिर आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ट्वीट में लिखते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना खत्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, और इतनी बेहिसी अवामी वोट के बगैर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है। बात तो किसी हद तक ठीक है, जो इक्तदार के नशे में बिल्कुल अंधी और बहरी हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब ने लिखा है, लेकिन ये ट्वीट है थोड़ा सा पुराना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पुराना है, 1/10/2021 इसकी तारीख है। और बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो ठीक है, लेकिन अब नहीं लिख रहे, आजकल नहीं लिख रहे। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब ऐसी बातें आती थी, वो याद है ना आपको, वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब क्या कहा करती थी, यू वो इशारा करके 2 रुपये लीटर या पता नहीं क्या इस किस्म का बयान आते हैं। एनीवेज़ अब आजकल नहीं आ रहे, आगे बढ़ते हैं, ज़रा करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। PTI के ऊपर एक्सपेक्टेड पाबंदी, एडहॉक जजेस की तैनाती, लेटेस्ट करंट सिचुएशन क्या है, PTI क्या कह रही है, PMLN क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, बाहर का मीडिया क्या कह रहा है और अपना मीडिया क्या कह रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, वो जैसे होता है ना औरों का, अमीरों का मीडिया और अपना मीडिया, वो बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है। जब मैंने एक अभी रिसेंट स्टेटमेंट सुना, आगे चल के आपको बताता हूँ। एनीवेज, PTI ने तो मज़ाहमत का ऐलान किया है एक्सपेक्टेड पाबंदी के हवाले से और एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर भी। उनकी ऑब्वियसली पाबंदी के हवाले से तो उन्होंने करनी ही करनी है मज़ाहमत, और जिस हद तक हो सकता है उनके सारे लोग भी लगे हुए हैं और वो इसको इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं कर पाएगी। उसकी 2-3 रीजंस हैं, आगे चल के मैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने हर सतह पर मुज़ाहमत का ऐलान किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि PTI के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो इनके ये तमाम के तमाम अरकान बरकरार रह सकते हैं। इन केस PTI के ऊपर पाबंदी लगती है तो जो भी PTI का रुकन होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी तक तो ये लोग PTI में शामिल नहीं हो सके एट द मोमेंट, अभी वो प्रोसेस जारी है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। लेकिन जो PMLN के हामी सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि एक ऐसी जमात जिसके हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा चुका हो कि जनाब इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, तो इलेक्शन कमीशन उसको सीटें क्यों देगा। इलेक्शन कमीशन दे ना दे, क्यों देगा, ये बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है देने का, तो इसलिए इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल आगे चल के देखेंगे PMLN के अंदर क्या सोच है वो आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया ना कि पाबंदी लगाने जा रहे हैं, हमने पाबंदी का फैसला किया। वो ऐलान उन्होंने ऐसे किया जैसे अभी कैबिनेट ने अप्रूव करना है और पाबंदी लग जानी है, हालांकि उनको भी पता है कि ये उनके इख्तियार में नहीं है, बराह रास्त उनके इख्तियार में नहीं है। वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कैबिनेट से मंजूरी ले सकते हैं रेफरेंस मूव करने की, फिर इसमें आगे स्टेक होल्डर आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस फैसले के बाद PMLN जैसे तस्लीम कर चुकी है या वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि वो इमरान खान से नहीं जीत सकते, वो पी
पीटीआई से नहीं जीत सकते, नहीं हरा सकते, ये पिछले दो सालों में उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। आखिर पे आखिरी ऑप्शन है ना पाबंदी का, इससे लेस तो जो हो सकता था इमरान खान को जेल में डालना, मुकदमात करना, इवन वो मुकदमात जिनमें उम्र कैद या सजाए मौत तक की दफा थी वो भी करके देख लिया, लेकिन जब पता चला कि लीगल फ्रंट पर, सियासी फ्रंट पर हर तरफ नाकामी हो रही है, देन ये डिसाइड किया गया। और इसका वाजे मतलब ये है, ये पॉलिटिकल डिफीट एक्सेप्ट की गई है कि हम इमरान खान से और पीटीआई से नहीं जीत सकते। अगर जीत सकते होते, अगर इतनी विल होती या इतना कॉन्फिडेंस होता, तो फिर ये इकदाम इसकी तरफ, इंतहाई इकदाम की तरफ ना जाते। एनीवेज, उनके लीगल एडवाइजर जो भी उनको एडवाइज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अभी वो कह रहे हैं कि मुशावरत जारी रहेगी। अब आ जाइए पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी का मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि उनके हल्के फुल्के बयान आ रहे हैं तर्जुमान की तरफ से, या कभी दो तीन लोग जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से भी हल्की फुल्की मौसीकी लगी है कि हमें अहतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन साथ ही अगले लम्हे कहते हैं कि पीटीआई इस नहज पर पहुँचने की खुद जिम्मेदार है, और वो बदकिस्मती से उसने इंतशार की सियासत की है, एंड दिस एंड दैट। पीटीआई को कॉर्नर करके इस नहज तक पहुंचाने के लिए जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आपने इस तरह उनको दबाने की कोशिश की कि वो इतना बाहर की तरफ निकले हैं कि फिर आपसे अब संभाले नहीं जा रहे। तो अब मुझे अगर कोई बिलावल साहब भी कहीं से बयान दे देना कि जनाब हम पीटीआई की पाबंदी के हक में नहीं हैं, तो मैं शायद मुश्किल से यकीन करूं, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आसिफ जरदारी का होगा, और आसिफ जरदारी इस वक्त खामोश हैं, और ऐवान सदर में उनसे गाहे बगाहे अहम मुलाकातें होती रहती हैं, और कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं। जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी के और बहुत सारे लोगों को पता होंगी। तो अपने तौर पर इनफरादी राय तो आती रहती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो डेफिनेटली आसिफ जरदारी का होगा। लेकिन इसमें एक मेजर एलिमेंट सोचने का ये है कि अगर आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी भी पीटीआई को बैन करने की तरफ जाते हैं या इसके हक में जाते हैं, दैट मींस कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम कर लेंगे या ख़त्म कर लेंगे, फिर वो सिर्फ पीएमएलएन के मोहताज ही हो जाएंगे एक तरह से हुकूमत चलाने के लिए। वो फिर पीएमएलएन को ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर तो भी इसलिए है ना कि अगर पीएमएलएन की हुकूमत हम गिराना चाहें तो हम गिरा सकते हैं। क्यों गिरा सकते हैं? क्योंकि पीटीआई का नंबर उनको दिखता है कि पीटीआई के पास नंबर है, तो अगर हम गिराना चाहें तो पीटीआई ऑप्शन रहेगी। लेकिन अगर पीटीआई के साथ वो इस तरह करते हैं या पीटीआई को ब्लॉक करने के लिए या बैन करने के लिए वो अपना वोट देते हैं, दैट मींस के वो पीएमएलएन को और ज़्यादा स्ट्रांग कर देंगे और अपनी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो उन्हें ये भी सोचना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी इतनी कच्ची गोलियां उन्होंने खेली हैं कि वो इस तरह से इतनी आसानी से हाँ कर देंगे। एनीवेज, अब आ जाइए ज़रा अपना मीडिया और औरों का, अमीरों का मीडिया। मुझे मैं कहता हूँ ना, मैं देख रहा था अभी DW की पोस्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पीटीआई को बैन करना जो है बैकफायर कर सकता है, इट कुड बैकफायर। तो उन्होंने जो उसकी रीजनिंग लिखी है, डिटेल्स लिखी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस करता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये बैकफायर कर सकता है। हमारा जो लोकल मीडिया है वो भी, मैंने इससे पिछले व्लॉग में आपको एक पूरा डॉन का इदारिया पढ़ के बताया कि वो क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से ये फैसला सरासर गलत है। लेकिन कुछ है हमारा जो जिसके ऊपर मैंने फोकस दिया ना, और हमारा मीडिया, उसमें वो लोग आते हैं जो बगैर कुछ सोचे समझे, जिनका बस काम है या तो जो भी चीज़ होगी ना उन्होंने ये लिखना है ख़त्म शुद, बस दैट्स इट, ख़त्म, इससे आगे तो बात ही कोई नहीं है। दो साल से लिखते आ रहे हैं ख़त्म शुद, ख़त्म शुद, ख़त्म शुद, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। फिर उनके ही साथी हैं कुछ और आगे पीछे दोस्त हैं, मैं अभी देख रहा था वीडियो, वो बता रहे हैं कि जनाब वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होगा। और वो कहते हैं कि बेशक तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए, हम बतौर साफ़ी आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करनी है, किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इनिशिएट होनी है। तो वो कहते हैं कि बेशक तौहीन अदालत लग जाए तो वो नहीं होगी। तो ठीक है, आपकी बतौर साफ़ी इस खबर को हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन अवाम आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आप बतौर साफ़ी सिर्फ खबर ही नहीं अपनी राय का भी इजहार करें, क्योंकि आप तज्जिया निगार हैं, आप बतौर तज्जिया निगार दे रहे हैं। खबर देना तो चलो साफ़ी का काम है ही, लेकिन साथ में अपनी ज़रा राय भी बता दिया करें कि क्या ये दुरुस्त है या गलत। लेकिन जब आप गलत को गलत नहीं कहते और खाली खबर आप इस तरह से दे देते हैं जैसे आपकी भी यही ख्वाहिश है, तो फिर आप एक्सपोज होने लगते हैं। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था, आप भी ज़रा इमेजिन करें कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हकदारों को उनका हक वापस दिया, यानी पीटीआई की नशिस्तें थी, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह से उनसे छीन के दूसरों को दी जा रही थी। अभी तो ये हुक्मरान इतिहाद की नशिस्तें नहीं थी, तो उनका ये रद्दअमल आ रहा है हुक्मरान इतिहाद का, पीएमएलएन का या पीपल्स पार्टी का। अगर इमेजिन करें कि ये नशिस्तें रियल में उनकी होती,
तो फिर क्या करते वो, या किस कदर अदालत को दबाव में ला चुके होते, या कितना कितना अग्रेसिव हो चुके थे, अभी जिस कदर वो अग्रेसिव है या इस तरह से अग्रेसिव नेचर है जैसे ये वाकई में नशिस्तें उनकी थी, इस तरह का तासुर मिल रहा है। हालांकि थी तो ये पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, दोनों में से किसी एक के पास जानी थी, लेकिन जो रवैया है या जिस तरह का आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई ने अपने साथ नाइंसाफी पर वो शोर शराबा नहीं किया जो पीएमएलएन इस वक्त कर रही है, हालांकि उनके साथ ये नाइंसाफी हुई भी नहीं है। तो ये इस किस्म का सिचुएशन है। और ख़तरा असल में क्या है, जो रियल ख़तरा है, जो असल परेशानी है, ख्वाजा आसिफ ने बताई है कि ये जो है ये अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही अक्टूबर गुजरेगा ये 8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ भी आएंगे, उसको भी अटैक करेंगे। तो ये ख़तरा ख्वाजा आसिफ को क्यों है, उनको 8 फरवरी के इंतखाब से क्या परेशानी है? अगर वो जेन्युइन जीते हुए हैं, फॉर्म 47 नहीं है, तो उनको क्या परेशानी हो सकती है? आप बताइए कि क्या हो सकता है, क्यों दिल में चोर और खौफ और डर बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अक्टूबर के बाद, काजी साहब ना रहे तो बस फिर हमने भी नहीं रहना, इस किस्म का तासुर क्यों है? हालांकि अदलिया तो इंसाफ दे रही है, कोई नाइंसाफी किसी के साथ नहीं कर रही इस टाइम, ऐसा लग रहा है, बट फिर भी उनको ये खौफ और ख़दशा है। इसी के लिए मेरा ख्याल वो एडहाक जजेस वाला जो मामला है उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, उसके ऊपर बिल्कुल वो उनकी हमायत करने जा रहे हैं। मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि एडहाक जजेस की मंजूरी कौन कौन लोग देते हैं, कौन कौन शामिल होता है उस कमीशन में जिसने मंजूरी देनी है। बहरहाल अभी तक की जो आखिरी इतलात है, 2 जजेस मान चुके हैं, 1 जज साहब ने इनकार किया और 1 जज साहब के हाँ या ना का अभी तक इंतज़ार बाकी है। और कुछ ज़राए ऐसा बताते हैं जो क्लोज टू सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस बाकर नजफी भी इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तक उनकी तरफ से कोई वाज़े जवाब नहीं आया, जैसे आएगा वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। लेकिन एक अहम इशू इसमें जो नोट करने वाला है वो ये कि लेट्स सपोज एडहॉक जजेस आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो भी एक चीज़ ऐसी है कि बेंच जो बनेगा, जो भी अगला बेंच बनना है, उसका इख्तियार किसके पास है? वो 3 रुकनी कमेटी के पास है, जिसमें जस्टिस मंसूर, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस को उसमें भी अक्सरियत इस मामले के बाद शायद ना रहे। फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने पीटीआई के हक़ में ये फैसला दिया है, बेंच तो अल्टीमेटली इन 3 जजेस ने ही बनाना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद। तो उसमें बेशक 8 एडहॉक जजेस और ऐड कर ले, तो बेंच जो बनाया जाना है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कौन बताएगा, ये फैसला फिर अक्सरियती जजेस ही कर पाएंगे। बहरहाल अगर फुल कोर्ट की तरफ गया तो फिर एडहॉक जजेस डेफिनेटली शामिल हो सकते हैं उसमें, लेकिन ये बहुत दूर की बात है, अभी तो काफ़ी प्रोसेस बाकी है। आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।